दोस्तों इस वीडियो में ये मेरा 64 GB का पेन ड्राइव है। हालांकि ये 64 GB होने के बावजूद भी यहाँ पर ये जो है 32 GB ही दिखा रहा है। तो यहाँ पे 32 GB से हम इसका जो फुल स्टोरेज है जो हाइड हो चुका है उसको हम कैसे वापस ला सकते हैं, इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश, आप देख रहे हैं टेक माइंड। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा 64 GB का पेन ड्राइव है, ठीक है 64 GB का है। और जब मैं सिस्टम में इसे इंसर्ट करता हूँ, ओके मैं सिस्टम में यहाँ पे डाल रहा हूँ, ओके तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा दिस पीसी में। यहाँ पे दिस पीसी में जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो ये 29 GB दिखा रहा है, ठीक है 64 GB के बावजूद भी यहाँ पे 29 GB यानी आधा ही पेन ड्राइव जो है मेरा वो दिखा रहा है। तो कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको करना ये है, ठीक है इसे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको अब यहाँ पे जो दिस पीसी दिख रहा है इस पे जाना है। दिस पीसी पे आपको राइट क्लिक कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे मैनेज पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप मैनेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कंप्यूटर मैनेजमेंट जो है वो खुल जाएगा, ओके तो यहाँ पे जो 3 ऑप्शन दिख रहे हैं उनमें से स्टोरेज ऑप्शन को आपको यहाँ से चूज करना है, डबल क्लिक कर लेना है। उसके बाद डिस्क मैनेजमेंट पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे जितने भी डिस्क आपके कनेक्टेड है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ये स्वरा के नाम से पेन ड्राइव है और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ड्राइव जो है 57.28 GB दिखा रहा है, यानी 64 GB का इतना ही दिखा रहा है। कुछ जीबी जो है वो सिस्टम खुद के लिए इस्तेमाल कर लेता है। तो यहाँ पे 30 GB दिखा रहा है और यहाँ पे 27.28 GB अनअलोकेटेड इस प्रकार से दिखा रहा है। तो इसको हमें इसमें ये इसको हमें इसमें डाल लेना है। तो किस प्रकार से डाल सकते हो, तो यहाँ पे आपको करना ये है, ठीक है यहाँ पे मैं जूम आउट करके यहाँ पे आपको करना ये है कि चेन ड्राइव लेटर आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा डिलीट वॉल्यूम इस प्रकार से। तो इसको हमें क्या करना है, ठीक है इसको हमें यहाँ से आपको न्यू सिंपल वॉल्यूम भी कर लोगे तो भी ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं होगा। सॉरी दोस्तों, जरा बैकग्राउंड में ज्यादा नॉइज होने की वजह से मैं थोड़ा सा मेन वीडियो का जो यहाँ पे ऑडियो है बंद कर रहा हूँ। तो आपको जैसे एरो दिख रहा था वहाँ पे जाकर राइट क्लिक करने के बाद डिलीट वॉल्यूम इस प्रकार से कर देना है। अब जैसे आप डिलीट करोगे तो आपका जो फुल पेन ड्राइव जो है यहाँ पे 64 GB का मेरा था तो वो फिर से आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अभी ये पेन ड्राइव जो है इसको आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा, तभी आपका पेन ड्राइव जो है वो यहाँ पे सिस्टम में दिस पीसी में दिख जाएगा। तो आपको बैकअप सबसे पहले तो लेना है होगा, ठीक है तो यहाँ पे न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे कोई भी चेंजेस आपको नहीं करना है, नेक्स्ट पे ही क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे आपको अगर ड्राइव का कुछ नाम चेंज करना है तो वो कर सकते हो, नहीं करना तो रहने दीजिए, फिनिश पे क्लिक कीजिए और आपका पेन ड्राइव जो है यहाँ पे फॉर्मेट हो जाएगा। फॉर्मेट होने के बाद मैं आपको दिस पीसी में जाकर दिखा दूंगा कि जो 64 GB दिखा रहा था वही 64 GB आपको फिर से दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेट हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो न्यू वॉल्यूम जीव इस नाम से ये आ चुका है। दिस पीसी में भी जाकर मैं आपको दिखा दूंगा कि हमारा पेन ड्राइव जो है वो पूरी तरीके से रिस्टोर हो चुका है। कोई भी प्रॉब्लम आपको पेन ड्राइव से रिलेटेड, यहाँ पे अगर स्टोरेज कम दिखा रहा था तो वो स्टोरेज का प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 57 GB जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है, मैं रिनेम कर रहा हूँ पेन ड्राइव को, ओके। तो इस प्रकार से आप अपने पेन ड्राइव का अगर स्टोरेज कम हो रहा है तो इस प्रकार से आप कर सकते हो।